हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गो ऑनलाइन। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, फिलहाल मैं आ चुका हूं इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे और मैं अभी फिलहाल चेक करने वाला हूं जुपिटर मनी का डेबिट कार्ड इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे। देखता हूं कि इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप में जुपिटर मनी का डेबिट कार्ड एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है। साथ ही साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं इसका सरचार्ज रेट क्या होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन्स क्रिएट ना हो और आप आसानी से जान सकोगे कि इसका सरचार्ज रेट क्या है और क्या इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप में जुपिटर मनी का डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। कार्ड एक्सेप्ट है ना भैया? आगे करना हो क्या? चलो आगे लेके चलो, आगे लेके चलो। सौ का डालिएगा। एक कार्ड निन्यानवे रुपये 97 पैसे जा रहा है। एक लड़की ओके, थैंक यू। जैसे कि आप देख सकते हो, जुपिटर ने जो वादा किया था 1% तक का कैशबैक, यानी कि रिवॉर्ड के थ्रू जो 1% तक का कैशबैक देता है ज्वेल्स के थ्रू, वो इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। यानी कि 100 रुपये के हिसाब से 1% का कैशबैक इन्होंने दिया हुआ है 1 ज्वेल्स। इसके अलावा आप देख सकते हो, चैट के थ्रू मैंने कस्टमर केयर से बात करी, इन्होंने यहाँ पे सरचार्ज के बारे में बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करके दिया है। जैसा कि आप देख सकते हो, 2.5% तक का टोटल कॉस्ट ऑफ INR 10 का मिला हुआ है। तो कुछ इस तरह का सरचार्ज रेट आपको मिलने वाला है। और भी अच्छे तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि आप सरचार्ज रेट कैसे चेक भी कर सकते हो और इसकी सरचार्ज रेट क्या होने वाली है। आई होप यू गाइस कि इस वीडियो के जरिए आपको पता चल गया होगा कि जुपिटर मनी का डेबिट कार्ड इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे वर्क करता है और साथ ही साथ 1% तक का जो कैशबैक था यानी कि ज्वेल्स के थ्रू, वो भी मिल चुका है। वीडियो पसंद आएगा गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही साथ गाइस, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हर बार आपके ही रिक्वेस्ट के हिसाब से वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।